ओके सो हेलो गाइस, सो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने GPIO का पेरिफेरल एप्लीकेशन कोड और बड़ी इंटरेस्ट फ्री की चीज़ करी थी। लाइक अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डिवाइस ड्राइवर बनाते हैं और उनको यूज़ करके एप्लीकेशन कोड बनाते हैं। सो टुडे आर टॉपिक विल बी LED स्विच ऑन एंड ऑफ बाय यूजिंग GPIO डिवाइस ड्राइवर विच वी हैव क्रिएटेड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पुल अप रजिस्टर्स, बिकॉज पुल अप रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट उस पॉइंट से है अगर आप लोग कुछ एक्चुअल में अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और जिसपे स्विचेस को यूज़ करके हम या कोई सेंसर के इनपुट को यूज़ करके कर रहे हैं। आप समझो कि ये चीज़ मैं अभी क्यों कह रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एप्लीकेशन कोड यूजिंग GPIO पेरिफेरल पार्ट 2 है। इसमें हम LED का स्विच ऑन ऑफ करेंगे एंड पुल अप रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो कनेक्शन तो इसके हमारे अभी बेसिक ही होंगे। हम जैसे नॉर्मल LED यूज़ करेंगे एंड द नॉर्मल 4-pin टैग स्विच जिसके 4-pin कनेक्टर होता है। ओके सो नाउ लेट्स गेट इनटू द कोड। सो गाइस इसका कोड भी हमारा बिल्कुल बेसिक से ही होगा। जैसे हम स्विच 1 यूज़ कर रहे हैं उसको मैं डिजिटल पिन 6 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो डिजिटल 6-pin का एक्रोमन हुआ PS3। सो इट्स मैक्रो इज डिफाइंड फॉर PS3। सिमिलरली LED 1 मैंने डिजिटल पिन 10 पे कनेक्ट करी है तो उसका मैक्रो जो एक्रोमन है वो होगा PB4। सो हैशटैग डिफाइन LED 1 PB4। नाउ सिंपली इंट मेन के अंदर पिन मोड LED 1 कॉमा एम्परसेंड DDRB। पिन मोड में हम पहले पिन का आउटपुट स्टेट करेंगे तो उसके लिए DDRB फंक्शन यूज करते हैं। तो DDRB का एम्परसेंड वेरिएबल था उसका एड्रेस जाए उसके एड्रेस में चेंज होएगा वो पिन मोड LED के जो बिट है लाइक PB4th bit ऑफ द DDRB रजिस्टर को सेट कर देगा 1। स्विच 1 को हम इनपुट लेंगे बिकॉज वो स्विच है तो उसके DDRH रजिस्टर है क्योंकि PS3 पर है पोर्ट H पर है। सो उसके एम्परसेंड वेरिएबल पिन मोड से इनपुट कर दिया। देन सिंपली इफ डिजिटल रीड SW1 इक्वल्स एंड एम्परसेंड पिन H मतलब अगर SW1 की वो रीड स्टेट रीड करेगा अगर वो 1 होगी अगर स्विच 1 हाई वोल्टेज देगा 5 वोल्ट की या 1 देगा तो डिजिटल रीड LED को ऑन कर दो अदरवाइज ऑफ कर दो। ओके सो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा कोड है जो हमने नॉर्मल GPIO पेरिफेरल की डिवाइस ड्राइवर को यूज करके बनाया है। अब एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं थोड़ा हार्डवेयर दिखाने से पहले आपको स्विचेस का एक 4-pin स्विच का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। ओके सो वी विल जस्ट ड्रॉ समथिंग। अब आप जो ये डायग्राम देख रहे हो ये हमारा जो स्विच होता है जो हमने ये वाला स्विच यूज कर रहे थे 4-pin वाला। सो इस स्विच का 4-pin टैग स्विच का ये हमारा डायग्राम होता है लाइक इसका स्कीमेटिक होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है हमारे जो पिन होते हैं पिन 1, 2, 3, 4। सो 1, 2 इंटरनली शॉर्ट होते हैं 3, 4 इंटरनली शॉर्ट होते हैं और 1 से हमारा एक सिंपल वायर जा रही होती है एंड 3, 4 से एक सिंपल वायर जा रही होती है। सो व्हेन वी प्रेस अ बटन वी पुश दिस द इंक्लाइंड वायर टू विद टचेज विद दिस वायर हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड आवर स्विच गेट्स पावर। ओके अब आप समझो अब हम मान लो स्विच को हमने एक जगह से VCC से कनेक्ट कर रखा है और जो ये वाली पिन है वो हमने MCU से कनेक्ट की है। ओके सो नाउ अब जब मैंने नॉर्मली स्विच 1 पिन 1 को VCC से कनेक्ट करा एंड 4th pin को MCU से कनेक्ट करा इनिशियली जब कोई पिन नहीं है जब कुछ मैंने पिन को प्रेस नहीं कर रखा सो मेरा सर्किट इनकम्प्लीट है ब्रेक है तो जो MCU पे वोल्टेज है वो कुछ भी आ सकती है इट विल बी फ्लोटिंग। क्यों क्योंकि मेरा सर्किट इनकम्प्लीट है तो ये 0 और 1 एक तरीके से ना ही हाई स्टेट पे ना ही लो स्टेट पे ये फ्लोटिंग स्टेट पर है इन विच इट इज नॉट कनेक्टेड एंड इट विल गिव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 बिकॉज ऑफ द नॉइज डिस्टर्बेंस ऑफ आवर सराउंडिंग्स। तो ये चीज को ओवरकम करने के लिए व्हाई अब मान लो मैंने स्विच दबाया नहीं लेकिन फिर भी MCU मेरी 1 रीडिंग दे रहा है तो मेरी तो अपने आप ही LED जल पड़ेगी या मेरा बजर अपने आप ही बचता रहेगा लास्ट एप्लीकेशन में विदाउट मैंने बॉल लगाई है नहीं लगाई है। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पुल अप रजिस्टर्स। उसमें हम करते क्या है ये VCC है हम और ये MCU पर है हम जिस पिन को MCU पे लगा रहे हैं उसके साथ वाली पिन को जो उसके वर्टिकल होगी उस वाली पिन को पे हम एक रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है और रजिस्टर लगा के रजिस्टर की एक एंड
हम उन 3 पिन पे एक रजिस्टर लगा देंगे और रजिस्टर की एक एंड इसको हम या तो ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे ठीक है, या तो ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखो क्या होगा, जब मैंने कोई पिन बटन नहीं दबा रखा सो बाय डिफॉल्ट मेरी एमसीयू पिन डायरेक्टली ग्राउंड शॉर्टेड है। ओके, बिकॉज ये पूरा सर्किट कंप्लीट है तो मेरा एमसीयू पे पिन लो वोल्टेज आएगी, वो ग्राउंड होगा। अदरवाइज जब मैंने पिन को दबाया तो ऑफ कोर्स सी बात है इधर मेरा रेजिस्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फॉलो द पाथ विच इज लीस्ट रेजिस्टेंस, तो मेरा करंट ऐसे ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा जब मैं पिन को बटन को दबाऊंगा, एंड व्हेन आई विल नॉट प्रेस अ बटन तो मेरा सर्किट ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे ग्राउंड वोल्टेज आएगा। व्हेन आई प्रेस अ बटन देन इट विल गिव अ वीसीसी वोल्टेज इट इज +5 ऑन द एमसीयू पिन। सो ये काम होता है, बस यही हमारा मेन काम होता है पुल अप रेजिस्टर्स और पुल डाउन रेजिस्टर्स का। अब पुल अप और पुल डाउन का क्या होता है, पुल डाउन मतलब हमारा जो वोल्टेज है वो ग्राउंड पर होगी, सो दिस इज पुल डाउन रेजिस्टर। अगर अब मैं पुल अप रेजिस्टर यूज करूंगा तो पुल अप रेजिस्टर में क्या होगा, मैं पिन 1 को ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूंगा इंस्टेड ऑफ वीसी, और इधर मैं इसकी जगह पॉजिटिव कनेक्ट कर दूंगा ठीक है। सो अब देखो क्या होगा, जब मैं पुल अप रेजिस्टर यूज करूंगा बाय डिफॉल्ट मेरी स्टेट पॉजिटिव रहेगी, एमसीयू पे हमेशा 1 आएगा, एंड व्हेन आई प्रेस अ बटन इसको आप बता दो, व्हेन आई विल प्रेस अ बटन तो मेरा ये वाला सर्किट कंप्लीट हुआ, तो ग्राउंड हो गया। सो दिस इज वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अप एंड पुल डाउन रजिस्टर्स। अब कोड हमारा सेम ही रहेगा, अभी मैं अब आपको हार्डवेयर भी लेके जाके चीज समझाता हूँ। ओके, सो गाइस नाउ दिस इज माय सर्किट डायस्केट, इन दिस यू कैन सी आई हैव अ एलईडी एंड आई हैव अ स्विच। स्विच के जो मेरे नेमिंग कन्वेंशन है, दिस इज पिन 1, पिन 2, पिन 3 एंड पिन 4। अब मैंने जैसे सर्किट में बताया था आपको समझाते हुए, मेरी 1 और 2 इंटरनली शॉर्ट है, 3 और 4 इंटरनली शॉर्ट है, और 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में वैसे है, 1 और 2 से मेरा ऐसे आ रहा है और 3 और 4 ऐसे है। सो व्हेन आई विल प्रेस अ बटन मेरा ये हो जाएगा सर्किट कंप्लीट, देन सो माय पीसी विल डू द थिंग। अब क्या है, मान लो मैंने अभी क्या कर रखा है, 1 को पॉजिटिव दिया वीसीसी सप्लाई, एंड देन 3 को मैंने डायरेक्टली जीपीआईओ पिन 6 से कनेक्ट कर रखा है। सो बाय डिफॉल्ट अब देखो, जो अगर मैं रजिस्टर हटा दूंगा सो यू विल सी कि मेरा एलईडी फ्लिकर कर रही है, ये जल नहीं रही है, प्रॉपर ब्लिंक नहीं है, फ्लिकर कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है। क्यों, बिकॉज ये फ्लोटिंग स्टेट पर है, मैंने अभी बटन नहीं प्रेस कर रखा है, मेरे जो पिन 1 है वो वीसीसी पर है और जो पिन 3 है स्विच का वो मेरा अर्डिनो से कनेक्टेड है। तो अब मैंने कोई पिन नहीं दबा रखी है, स्टेट नहीं है, तो पिन तो जो मेरा 3 और 4 है जो इंटरनली कनेक्टेड था वो फ्लोटिंग स्टेट पर है, वो 010101 स्टेट दे रहा है, 0101 स्टेट दे रहा है, तो वो कभी 0101 हो रहा है। एंड जो हमारा कोड का लॉजिक था कि डिजिटल रीड इक्वल्स टू हाई, हाई होगा तो एलईडी ऑन होगी या नहीं तो ऑफ होएगा, तो फ्लिकर कर रही है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड अ रजिस्टर हियर, दिस रजिस्टर ओके विद अ पिन 4 विद शॉर्टिंग इट टू द ग्राउंड। ओके, सो यू जस्ट सी हियर, ये मैंने इधर कनेक्ट करा एंड देन एट द पिन 4। सो देखा, मैंने जैसे ही रजिस्टर कनेक्ट करा तो मेरी एलईडी फ्लिकर बंद होना क्यों बंद होगी, क्यों, मैंने कोई बटन नहीं दबाया। सो मेरा 4 और 3 शॉर्ट है ना, 4th मेरा ग्राउंड है, तो डायरेक्टली एमसीयू के पिन पे मेरा 0 वोल्टेज जा रहा है। सो 0 वोल्टेज जा रहा है तो मेरी 0 रीड कर रहे, तो एलईडी नहीं जली। अब मैं बटन को जस्ट प्रेस करूंगा, सी बिल्कुल क्लीन फ्लिकर नहीं कर रही है, क्लीन ऑन है ये। दिस इज बिकॉज मेरा जो पिन 1 था वो वीसीसी से कनेक्टेड था, तो वीसीसी से कनेक्टेड था, अब मेरा ये वाला सर्किट ऐसे कंप्लीट हुआ। सो वीसीसी डायरेक्ट मेरा जीपीआईओ के अंदर जा रहा है, उसने डिजिटल रीड हाई करा और एलईडी को ऑन कर दिया परमानेंट। मैं हटा दूंगा तो ये हट जाएगा। दिस इज वी हैव यूज पुल डाउन रजिस्टर। इसमें हमें बाय डिफॉल्ट हमें क्या वैल्यू मिल रही है, जब ऑन नॉट प्रेसिंग अ बटन वी आर गेटिंग 0 वोल्टेज। ओके, सो एलईडी इज नॉट ब्लिंकिंग। अब मान लो मैं, मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे चाहिए कि मैं जब बटन नहीं दबा रहा तो मुझे +5 वोल्टेज चाहिए। सो हेयर आई विल यूज द पुल अप रजिस्टर। मैं क्या करूँगा, इन दोनों के कनेक्शंस को इन्वर्ट कर दूंगा। मैं इसको अभी तो क्या हो रहा था, ऑन प्रेसिंग अ बटन आई एम गेटिंग वीसीसी। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कनेक्ट दिस टू द ग्राउंड
जो रजिस्टर है उसको मैं VCC कनेक्ट कर दूंगा। देखो अब मैंने रजिस्टर हटा दिया तो अभी ये फ्लोटिंग स्टेट पर है, इसलिए हमारी LED फ्लिकर कर रही है। अब मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा, वो पॉजिटिव पे लगा दूंगा VCC पे। अब क्या हो गया, मेरा 403 कनेक्टेड है इंटरनली। व्हेन आई एम नॉट प्रेसिंग अ बटन आई एम गेटिंग अ क्लीन प्लस 5 वोल्टेज हाई वोल्टेज। मेरी थिंग की स्विच हमेशा हाईवर है तो LED जल पड़ी, और जब मैं प्रेस बटन करूंगा तो मेरी ग्राउंड वोल्टेज जाएगी बिकॉज मेरा जो पिन 1 है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। तो स्विच मेरी लो वोल्टेज देगा GPIO पिन पे, उसको रीड करेगा तो else वाली चीज़ में जाएगा और मेरा LED ब्लिंक नहीं करेगी। सी मैंने दबाया तो मेरी LED ऑफ हो गई, देख रहे हो। अब इसमें मेरे पास बाय डिफॉल्ट LED ऑन हो रही है, आई एम गेटिंग बाय डिफॉल्ट प्लस 5 वोल्टेज, एंड व्हेन आई प्रेस अ बटन देन माय पिन स्टेट विल चेंज टू लो फ्रॉम अ हाई। ये था कॉन्सेप्ट पुल अप रजिस्टर का, और वो था कॉन्सेप्ट पुल डाउन रजिस्टर का, जिसमें हम जस्ट उल्टा कर देंगे, इस वाली पिन को प्लस वोल्टेज दे दी और बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आनी चाहिए, ग्राउंड। तो अब ये मेरा ग्राउंड हो गया। ओके नाउ ऑन प्रेसिंग अ बटन आई विल बी गेटिंग अ क्लीन हाई वोल्टेज। ओके सो गाइस ये तो था, मैंने आपको समझा दिया जो हमारा कोड था उसके अकॉर्डिंग जो पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर सर्किट थे। आर्डिनो में हमारे पास सिर्फ पुल अप रजिस्टर होता है, पुल डाउन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मीन्स इन आर्डिनो इन AVR वी कैन गेट अ बाय डिफॉल्ट हाई वोल्टेज बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कैसे करते हैं। सो गाइस जैसे अब मैं सॉफ्टवेयर सर्किट बना दूँ, अब इसमें मैं पुल अप रजिस्टर को यूज़ करेंगे। सो इन पुल अप रजिस्टर व्हाट वी डू कि जो हमारा स्विच है उसके जो 1 और 2 पिन है, तो 1 पिन को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड पे, ठीक है। और अभी हम क्या करते थे, रजिस्टर कनेक्ट करते थे VCC पे, तो उससे हमारा LED क्लीन हमेशा से ऑन होती थी। ओके लेकिन अब हम ये वाली सी विदाउट यूजिंग रजिस्टर सॉफ्टवेयर से करेंगे। ओके सो आई विल शो यू नाउ दिस ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट। सो गाइस वही कोड होगा हमारा, सर्किट भी वही है ऑलमोस्ट जो मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया। अब हमें पुल अप रजिस्टर ऑन करना है बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर नॉट यूजिंग अ रजिस्टर। सो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम स्विच को जो इनपुट है उसको इनपुट ही स्टेट करा, देन व्हेन वी डिक्लेयर इट अ इनपुट, अब ना हम स्विच 1 को डिजिटल राइट कर देंगे हाई। मुझे पता है जब आउटपुट करते हैं तभी हम हाई या लो स्टेट करते हैं, इनपुट में हम कोई हाई या लो स्टेट डिजिटल राइट नहीं करते हैं बाय कन्वेंशन। बट व्हेन वी वांट टू इनेबल आवर पुल अप रजिस्टर्स वी विल राइट द इनपुट पिन टू हाई। ओके सो डिजिटल राइट, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, जो उसमें फिर एडिट कर देंगे, डिजिटल राइट SW1 मेरा स्विच 1 और ये मेरा पोर्ट H हो जाएगा। ओके एंड दिस इज हाई। ओके और इसको आप बिल्ड करो। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि अब मेरा ना ये पुल अप रजिस्टर हो जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट ये वाली मेरा, मैं जो मेरा स्विच होगा उसको मैं ग्राउंड पे कनेक्ट करूंगा, और इंटरनली मेरा जो MCU है ना मेरा इधर इसके साथ इधर ना, मतलब आप इस वाले पार्ट को अगर ये सारा हटा दो, ठीक है, अब क्या होगा, मेरा इंटर पुल अप रजिस्टर मैंने सॉफ्टवेयर से करा, सो हेयर ये रजिस्टर होएगा और ये हो जाएगा मेरा VCC से कनेक्ट, ठीक है, और मेरी GPIO पिन होगी इधर। अब क्या होगा, मेरी बाय डिफॉल्ट GPIO पिन VCC से कनेक्टेड है, जैसे ही मैंने इसको ऑन करा तो मेरा GPIO पिन पे ग्राउंड आ जाएगा। रुको ये GPIO पिन इधर नहीं है, माय GPIO पिन इज हियर, ये मेरा GPIO पिन है आर्डिनो का, ठीक है। अब क्या हो गया, जब मैंने पहले इनपुट सेट करा एंड देन दिस इज माई MCU पिन एंड दिस इज वेयर माई SW1 इज कनेक्टेड। ओके थोड़ी ड्राइंग खराब है, आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये मेरा स्विच 1 है, अब क्या होगा, जब मैंने कोई पिन नहीं दबा रखी है तो मेरा स्विच 1 VCC से कनेक्टेड है, एंड जब मैं पिन दबाऊंगा तो मेरा ये ग्राउंड हो जाएगा। ओके सो नाउ लेट्स जस्ट बिल्ड द सॉल्यूशन देन गो इन टू द हार्डवेयर फॉर सीइंग दिस। बिल्ड एंड देन टूल्स एंड देन ग्लो। ओके नाउ गाइस यू कैन सी कि मैंने जब इसमें जस्ट मैं अगर इसको एक बार रीसेट करूँ आर्डिनो मेगा को,
तो बाय डिफॉल्ट मेरी पिन मेरी एलईडी हमेशा ऑन हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने अब इसमें पुल अप रजिस्टर बाय सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया है, तो ये मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड है और जो GPIO पिन मेरी 6 है, तो GPIO पिन 6 के अंदर ही मेरा रजिस्टर VCC से कनेक्टेड है, जैसे मैंने सर्किट में दिखाया था। और अब मेरी बाय डिफॉल्ट पिन डिजिटल पिन 6 पे वो हाई स्टेट दे रहा है डिजिटल रीड, तो LED ऑन कर दी। मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरी LED ऑफ हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुल अप रजिस्टर्स एंड हाउ टू यूज स्विचेस विद Arduino इन एम्बेडेड, हाउ टू प्रोग्राम दैट इन एम्बेडेड सी एंड डेवलप इट्स फर्मवेयर। सो आई होप यू गाइज एंजॉय इट एंड आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। ओके, सो गाइस आज की भी ट्यूटोरियल हमारी खत्म होती है। आप आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ समझ में आई हो, पुल अप रजिस्टर्स पुल डाउन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, पुल अप रजिस्टर्स को कैसे इनेबल करते हैं, बाय हार्डवेयर रजिस्टर्स का क्या कनेक्शन होता है और हमारा सॉफ्टवेयर का क्या कनेक्शन होता है। मैं अगर आप लोगों को एक बार सर्किट देखना है पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर का, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये हमारा सर्किट है पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर का। सो इन दिस आप देख लो, जैसे कि जो मैंने चीज़ बताई थी, मेरी MCU की पिन है और ये मेरा स्विच है। तो अब जब मुझे पुल अप रजिस्टर यूज़ करना है, पुल अप मतलब बाय डिफॉल्ट आई विल गेट अ +5 वोल्टेज, तो मेरा ये पूरा MCU पे +5 वोल्टेज जाएगी। एंड व्हेन आई विल प्रेस अ बटन, सो एज इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज चूज लीस्ट रेजिस्टेंस पार्ट, तो इधर रजिस्टर है तो इसलिए इधर से ना करंट फ्लो होके आई विल गेट डायरेक्टली दिस पार्ट। ओके, सो ऑन प्रेसिंग अ बटन आई विल गेट लो वोल्टेज, बाय डिफॉल्ट आई विल गेट +5। इन द पुल डाउन कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली अपोजिट, मेरा पुल डाउन रजिस्टर होगा, पुल डाउन मतलब रजिस्टर वही होगा, बस नाम अलग है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आई विल गेट ग्राउंड वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी इधर स्विच इनकम्प्लीट है, सर्किट इनकम्प्लीट है, व्हेन आई विल प्रेस अ स्विच रजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जाएंगे, हमारा ये सर्किट कम्प्लीट होगा, सो आई विल गेट अ प्योर +5 वोल्टेज। ओके, सो आई होप गाइस आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो कैसे करते हैं। एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज टू गेट नोटिफाइड। और इस वीक का हमारा ट्यूटोरियल्स का GPIO पेरिफेरल का हमारा ट्यूटोरियल्स खत्म हो चुका है। इसमें मैंने आपको पुल अप रजिस्टर्स के बारे में बताया, पुल डाउन के बारे में बताया, उसका डिवाइस ड्राइवर कैसे बनाना है, पिन मोड, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट का, वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट पॉइंटर्स, हाउ टू यूज पॉइंटर्स एंड एसेस द पेरिफेरल रजिस्टर्स बाय एसेसिंग इट्स एड्रेस यूजिंग द एम्परसेंड एंड वोलेटाइल कीवर्ड एंड ऑपरेटर। और उसके बाद हम लोगों ने बिट मैनिपुलेशन की टेक्निक समझी थी, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड एन लॉजिकल ऑपरेटर्स इन आर स्टार्टिंग वीडियोस। सो एनी डाउट्स एनी व्यूज डू मेंशन देम इन योर कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।